ही में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ठीक है, तो अगर आप सेना या उसके किसी अधिकारी या आर्मी चीफ के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे और मैं वहां पे चुप बैठा रहा, तो ये वर्दी के साथ गद्दारी है, क्योंकि उस सेना ने मुझे बनाया। अब मुझे, मैं ऋण पूरा कभी नहीं चुका सकता सेना। और आज जो लोग सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं कि चीन ने इतनी जमीन हड़प ली, कहां है चाइना भाई? हड़पी हुई जमीन को छोड़ता है? 17 कुमाऊ वहां पे 850 लोग हैं, 17 कुमाऊ के वहां पे अफसर और जवान सारे के सारे कट जाएंगे, चीनी को अंदर नहीं आने देंगे, चीनियों को भी कटेंगे। सबसे ज्यादा हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट इंडियन आर्मी की, कैसे, कौन सी सैटेलाइट पिक्चर आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं टीवी पे और मुझे समझा रहे हैं स्टोरी के साथ, ये सैटेलाइट पिक्चर आ गई, आप देखो साहब, मेजर साहब, हम आपको दिखाएंगे ये चीनी यहाँ पे आ गए। अरे मेरी यूनिट वहां पे खड़ी है, मुझे अपनी यूनिट पे ज्यादा विश्वास है, मुझे मेरी पलटन पे विश्वास है, तुम्हारी सैटेलाइट इमेजेस को कोई विश्वास नहीं। नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य, इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हम आपको जिससे रूबरू कराने जा रहे हैं वो एक खास शख्सियत है। जी हाँ, एक राइटर है, एक टीवी होस्ट है और एक सोल्जर है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद रहेंगे मेजर गौरव आर्य। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेजर साहब, सबसे बड़ा सवाल, और क्योंकि लोग आपको टीवी में देखते हैं और आप बोलते हैं उस तरीके से जैसे आप फौज में दुश्मनों के छक्के छुड़ाते थे, अब टीवी में आप छक्के छुड़ाते हैं, टीवी में आना कैसे हुआ? क्योंकि एक फौजी और कई जगह आपने काम किया, फिर एकदम टीवी की तरफ जी। मैं बाय एक्सीडेंट आया मीडिया में, तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने फौज छोड़ी और मैं सीधा कश्मीर से गिरा स्टूडियो के अंदर। ऐसा नहीं है, मैंने फौज 1999 में छोड़ी थी, 1999 में। और जो मीडिया में पहली बार जब मीडिया में आया 2016, यानी कि तकरीबन 17 साल फौज छोड़ने के बाद मैं पहली बार मीडिया में आया, और फॉर्मली मैंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो ज्वाइन करा, मैंने ज्वाइन करा मार्च 15 2017 को। तो मीडिया में तो अभी मुझे 3 साल ही हुए हैं, तो तब मैंने इस तरीके से मीडिया ऐसे ज्वाइन करा था कि 2016 में बुरहान वानी करके एक टेररिस्ट था, आतंकवादी था, जिसको मारा, तो टेलीविजन चैनल्स पे काफी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो लड़ते लड़ते मरा है, किसी ने शहीद बोला, किसी ने उनका शहीद भगत सिंह के साथ उनका कंपैरिजन कर लिया। मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैंने चिट्ठी लिखी फिर, और वो चिट्ठी फिर वायरल हो गई और फिर लोगों ने बुला लिया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उस टाइम पे इतना खुला कोई बोलता नहीं था शुरू में, क्योंकि लोगों को भी लगता था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए। हम तो अब ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं फौज के, ऑब्वियसली एक मैच्योरिटी आई जाती है, आप इतने साल सर्विस करते हैं, आपको नाप तोल के बोलते हैं क्योंकि आप एक लेवल पे होते हैं, और सही बात भी है, बोलना भी चाहिए। हम थोड़ा सा कंपनी कमांडर लेवल के थे, हम यंग मेजर थे, तो हम तो वैसे ही थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल ही रहते हैं यंग मेजर्स, तो हम जैसे कम सर्विस वाले, तो हमने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया जैसे हमें आदत थी बोलने की। तो ऐसे मेरा टीवी का शुरू हुआ, और एक दिन अर्नब का कॉल आया मेरे पास कि मैं एक चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम रिपब्लिक टीवी है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? तो मैंने बोला ठीक है, फिर वहां से मेरी स्टोरी शुरू हो गई मीडिया पे आने की। सर, फौज में जाना एक इत्तेफाक था या आपने शुरू से सोचा था कि जाना है? नहीं, मैंने शुरू से मन तो बहुत था फौज में जाने का, मेरी फैमिली में सारे के सारे ना पुलिस में या ब्यूरोक्रेसी में है, तो मुझे बोला कि IAS का एग्जाम दो, तो एक दिन मैंने किताबें देखी IAS की, तो फिर मुझे देख के थोड़ी सी घबराहट सी हुई, मैंने बोला यार ये इतने किलो भर की किताबें हैं, पता नहीं कितने किलो की, मोटी मोटी।
फिर मैंने बोला नहीं, तो मेरे दोस्त थे कुछ जो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ। कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, और हमारा कॉलेज भी ऐसा है जहाँ पे कि एक रीत है हमारे कॉलेज की कि इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हमारे कॉलेज से आए हैं और काफ़ी लोग हमारे कॉलेज से आए हैं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से लोग, मतलब एक ज़माने में, अभी पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन हमारे टाइम पे तो ऐसा बहुत था कि एक क्रेज़ था यूपीएससी का, और क्रैक भी बहुत लोग कर जाते थे उसको। लेकिन फिर मैं आर्मी में चला गया, मैं मोटिवेटेड था फिर फौज में जाने के लिए। मैंने फौज के बारे में पता लगाया क्योंकि मेरे परिवार में कोई फौज में था नहीं, मैं पहला था, तो फिर मैं फौज में चला गया। वैसे सर, गलवान घाटी के बारे में बात करते हैं, बहुत हॉट मुद्दा है जी। अभी अगर हम बात करें आम पब्लिक की, और या मैं अपनी बात करूं, हम सोशल मीडिया से सुनते हैं या जो टीवी में डिबेट हो रहे हैं उनसे सुनते हैं कि गलवान घाटी में ये हो रहा है, एक्चुअल वहां की पिक्चर क्या है और क्या हालात है? मैम, पिक्चर कुछ नहीं है। जो पेट्रोल पॉइंट 14 है जहां पे क्लैश हुई थी, और कर्नल बाबू और उनके जो जवान थे, और भी पंजाब रेजिमेंट के भी थे, मीडियम और फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट्स के भी थे, जो हमारे जवान वहां पे और अफसर शहीद हुए, वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए, हुआ सिर्फ ये कि चाइनीज बिल्कुल पेट्रोल पॉइंट के एज पे आ गया था, और उन्होंने टेंट लगाने की कोशिश करी जो हमारे लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया उसको। चाइनीज के साथ झड़प वहीं पे हुई थी, बिल्कुल गलवान रिज के नीचे रोड जाती है दौलत बेगोल्डी तक। तो इनको हर समय यह था कि एक इशू कभी ना हो कि वो ओवरलुक करें, क्योंकि फौज में हम कहते हैं हाउ डू यू डोमिनेट, यू डोमिनेट इधर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय फायर। या तो आप देख के ऑब्जर्व करके डोमिनेट करते हैं किसी चीज को, या आप गोली चला के फायरिंग से करते हैं डोमिनेट। तो ये कहानी फिर वहां पे, एक तो ये बात है, दूसरी चीज ये है कि इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, जो गलवान का जो भी हुआ है लार्जर कॉन्टेक्स्ट, मुझे जो लगता है, मुझे जो समझ में आता है, यू नो, ज्यादातर सोशल मीडिया पे ये बात हुई है साहब ये सैटेलाइट, 4 फिंगर 8 फिंगर, आई डोंट थिंक दैट इज सो इंपॉर्टेंट। वो एक टैक्टिकल लेवल की बात हो गई। स्ट्रेटेजिकली चाइना का ये था कि हर समय इंडिया को प्रेशराइज करे, चाहे अरुणाचल की बात करके, कहीं और की बात करके, वहां पे प्रेशराइज करे, लेकिन जो एक्शन हो वो लद्दाख में हो। एक्शन इसलिए लद्दाख में हो क्योंकि बिल्कुल वहां से थोड़ी सी ही दूर गिलगित बाल्टिस्तान है, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी है। तो पिंसर टाइप का, पिंसर इज नॉट द करेक्ट स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल टर्म, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब दोनों तरफ से आ जाए, इधर से चाइना उधर से पाकिस्तान, तो फिर यहां पे भारत फंस जाए, ये चाइना की मंशा हो सकती है मेरे हिसाब से। उनको करारा जवाब मिला गलवान पे, अब चाइनीज कह रहे हैं वापस जा रहे हैं। मेजर, आपके बारे में बहुत सारी बातें हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा इन द सेंस आप कभी छोड़ते नहीं है किसी नेता को, किसी पार्टी को कुछ बोलते हुए, जब आपको गुस्सा आता है तो आप सबको शांत करते हैं। तो हम समझे कि सेना बॉर्डर पे लड़ रही है, आप यहाँ पर उन लोगों से लड़ रहे हैं जो हमारी सेना के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में जो अपने घर बार सब छोड़ के अपनी देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं जी। नहीं तृप्ता जी, मैं आपको बताता हूँ इसमें इशू क्या है। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। अगर टीवी पे कांग्रेस और बीजेपी लड़े तो उनकी खुशी है, वो लड़ते रहे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा 1 घंटे की डिबेट में। आपको बोला भी जाता है कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं, आपको बोला भी जाता है? मुझे तो कहते हैं आरएसएस का है, बीजेपी का है। देखिए बात यह ना, बोलने को जितने मुंह उतनी बातें। अगर बीजेपी पावर में है, बीजेपी तो पावर में है, 303 सीटें हैं लोकसभा में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है, और सारे जो भी अभी तक जो लोग बातें कर रहे हैं, जो इस मामले पर नजर रखते हैं, वो कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी ही आएगी पावर में, जो मैंने सुना है जितना, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा खबर नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है। अभी अखबारों का जो आया था, हमारे जो नेशनल डेलीज हैं, उन्होंने बोला था कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 70 या 80 कुछ परसेंट है, कुछ फिगर्स हैं, कुछ आंकड़े, इमीडिएटली डज नॉट कम टू माइंड। तो एक बात बताइए, अगर मैं बीजेपी सपोर्टर हूं तो मुझे तो गर्व से कहना चाहिए भाई, अगर आप ये कहते हैं बीजेपी मेरी पार्टी है तो मेरी पार्टी पावर में है, मेरा प्राइम मिनिस्टर पावर पे है, मेरा ही है ना, तो फिर मुझे तो गर्व से कहना चाहिए। मैं छुपाऊंगा क्यों? मैं छुपाऊंगा तब जब मैं किसी हारी हुई पार्टी का मेंबर हूं कि साहब कोई मेरे ऊपर उल्टा ना बोल दे। आपने कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित को भी आड़े हाथ लिया था। संदीप दीक्षित, देखिए मैं संदीप दीक्षित को जानता नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता था कि वो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। प्रॉब्लम यह हुई जब उन्होंने सड़क का गुंडा बोला आर्मी चीफ को। देखिए वो मेरे आर्मी चीफ हैं, जनरल बिपिन रावत जब आर्मी चीफ थे वो मेरे आर्मी चीफ थे, जनरल एमएम नरावने अभी आर्मी चीफ है वो मेरे आर्मी चीफ हैं। मैं आर्मी में हूं नहीं हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फौज को गाली नहीं दे सकते, साफ सीधी बात है। अगर कल कोई बीजेपी वाला बोलेगा मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। आप फौज को छोड़ दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरा क्या लेने देना कांग्रेस से। मेरी बेस्ट विशेस है, मैं कह रहा हूं सारे स्टेट में आप इलेक्शन जीती, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए देश का, मैंने रोका है आपको। मुझे तो इंटरेस्ट भी नहीं है पॉलिटिक्स में, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है। मैं बताऊं, संबित पात्रा जी बगल में बैठे मेरे, संबित पात्रा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। संबित पात्रा जी कहते हैं कि
यू नो वो साइड लेते हैं फौज की, और वहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को कह रहे हैं सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक्स को कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट को कह रहे हैं कि साहब वहां पे सिर्फ पेड़ गिरे और कौए मर गए और कुछ आपने तो कुछ कर नहीं पाया, आप झूठ बोल रहे हैं। ये लोगों ने बोला है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कुछ सोशल मीडिया में पिक्चर्स भी आई थी बालाकोट के बारे में, दिखा रहे थे कि कुछ है। ये लोग ऐसी बातें करते हैं। फिर अगर कोई बीजेपी वाला वहां पे सपोर्ट करेगा आर्मी को, ठीक है, तो उस वक्त के लिए तो ठीक है ना, वो हमें सपोर्ट कर रहा है, आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं कि सारी राजनीतिक पार्टी को अब देखिए, जैसे गलवान की आपने बात करी, तृप्ता जी देखिए गलवान में कोई ये कह रहा है कि ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये है वो है, पेंगोंगसो लेक में ये हो गया, ये सैटेलाइट इमेजेस। क्या सैटेलाइट इमेजेस आप मुझे दिखा रहे हैं? कैसे दिखा रहे हैं मुझे? मेरी यूनिट वहां पे 17 कुमाऊं, वहां पे 850 लोग हैं 17 कुमाऊं के, वहां पे अफसर और जवान सारे के सारे कट जाएंगे, चीनी को अंदर नहीं आने देंगे, चीनियों को भी काटेंगे वहां पे। हमारी रेजिमेंट ने 2 परमवीर चक्र दिए हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह भाटी, ठीक है, सबसे ज्यादा हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट इंडियन आर्मी की। कैसे, कौन सी सैटेलाइट पिक्चर आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं टीवी पे और मुझे समझा रहे हैं स्टोरी के साहब ये सैटेलाइट पिक्चर आ गई, आप देखो साहब मेजर साहब हम आपको दिखाएंगे ये चीनी यहां पे आ गए। अरे मेरी यूनिट वहां पे खड़ी है, मुझे अपनी यूनिट पे ज्यादा विश्वास है, मुझे मेरी पलटन पे विश्वास है, तुम्हारी सैटेलाइट इमेजेस को कोई विश्वास नहीं। और आज जो लोग सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं कि चीन ने इतनी जमीन हड़प ली, कहां है चाइना भाई? हड़पी हुई जमीन को छोड़ता है? अगर आपने जमीन हड़पी होती आप छोड़ते? आप नहीं छोड़ते। कहां है चाइना? चाइना पीछे क्यों हट गया? असली बात कोई नहीं कहता, ये असली बात कोई नहीं कहता। देखिए बात यह है कि आज की तारीख में अगर मेजर गौरावारिया को 2 लोग पहचानते हैं, वो क्यों पहचानते हैं? क्योंकि मेरे नाम के आगे रैंक लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे किसने बनाया? मुझे सेना ने बनाया, ठीक है। तो अगर आप सेना या उसके किसी अधिकारी या आर्मी चीफ के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे और मैं वहां पर चुप बैठा रहा, तो ये वर्दी के साथ गद्दारी है, क्योंकि उस सेना ने मुझे बनाया। अब मुझे, मैं ऋण पूरा कभी नहीं चुका सकता सेना का, यह बात सही है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी चाहिए कि मैं सेना के लिए खड़ा हो जाऊं। आप कैसे कह सकते हैं कि लद्दाख ले लिया, पेंगोंग से ले लिया, मेरी पलटन 17 कुमाऊं वहां पे खड़ी, कैसे ले लिया यार? हमारे खड़े होते हुए आप ये कह रहे हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा की रेजिमेंट, मेजर शैतान सिंह भाटी की रेजिमेंट के होते हुए उन्होंने पेंगोंग से लेके ले लिया, वाह, ये तो अजीब सी बात हो गई। और फिर सैटेलाइट इमेजेस, पता नहीं कौन सी फ्रॉड इमेजेस दिखा रहे हैं मुझे। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, आई बिलीव इन माय यूनिट। मेजर आपने यहाँ पे 2005 के ब्लास्ट के बारे में कहा, दिल्ली ब्लास्ट के बारे में, सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी, बस जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। अहमद तारिकदार का उसमें उसका नाम आया था और उसको अरेस्ट किया गया था, कश्मीर में एक इनकाउंटर भी हुआ था। तो आप जिस तरीके से हम बम ब्लास्ट की बात, चाहे वो मुंबई हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है और उसका असर बॉर्डर पर भी देखा जाता है। आप कश्मीर भी उसमें भी गए, और क्या लगता है कि किस तरीके से इस आतंकवाद को, क्योंकि हम बात करते हैं बॉर्डर की, यहां पर हम बात कर रहे हैं अंदर की राजनीति। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में राइड्स हुए, कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तो अंदर का जो माहौल है हमारे हिंदुस्तान का, कुछ करना भी चाहते हैं लोग, उनको रोकने के लिए 100 हाथ खड़े हैं, क्या कहेंगे अंदर के बारे में? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग आर्मी में इसको कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। कुछ और थ्योरीज भी हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक, ग्रे जोन वॉरफेयर, ये अलग अलग टर्म्स हैं। इनकी मीनिंग में सटल डिफरेंसेस हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इनकी मीनिंग में, राइट right? लेकिन ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल हैं। जैसे कन्वेंशनल वॉरफेयर कैसे होता है कि इन्फेंट्री गई, आपके पास आर्मर्ड कोर है, आपके पास आर्टिलरी है, आपके पास स्पेशल फोर्सेज हैं, आपकी कोर ऑफ इंजीनियर्स वाले कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं आपके, एयरफोर्स के नेवी वाले शिप्स जा रहे हैं, ये सब एक कन्वेंशनल वॉरफेयर हो गया। आजकल कन्वेंशनल वॉरफेयर ना चाइना करने का इच्छुक है, ना पाकिस्तान करने का इच्छुक है। पाकिस्तान की एक कमिटी ऑफ द होल करके एक रिपोर्ट है, अगर आप देखें, ये 2016/2017 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में टेबल हुई थी ये रिपोर्ट, आप इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ बोला है कि किस तरीके से भारत की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस के नाम पे, इसका फायदा कैसे उठाना है, उसमें लिखा है। पाकिस्तान के पास रोड मैप है, उनकी पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है रोड मैप। तो आपने एक रोड मैप डिस्कस करा है, आपको पता है कि ये रोड मैप है और पाकिस्तान इस रोड मैप के तहत काम कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश करेगा, ये शर्जील इमाम है कौन? शर्जील इमाम को किसने आइडिया दिया कि तुम जाके बोलो कि चिकन नेक को 21 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, 21-22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, तुम वहां पे, उसने बोला कि मैं इतना मवाद डालूंगा वहां पे कि इंडियन आर्मी नहीं आ पाएगी, क्योंकि लैंड रूट तो वही है नॉर्थ ईस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करना चाह रहे हैं, वो सामने बोल रहा है, और उसके उसके सपोर्ट में लोग आ जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, आप एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट का ये काम है ये बोलना कि इंडिया को कट ऑफ कर दो, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से इसलिए पड़ रहा है वो। और कश्मीर में जो पत्थरबाज है उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि सेना बहुत, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि पत्थरबाजी भी हमारी कमजोरी है,
ये हमारी गलती है कि पत्थरबाजी हो रही है, ठीक है, आप सेना को बोलिए जो पत्थरबाजी करता है 4-5 को गिरा दीजिए, जान से मार दीजिए, सब ठीक हो जाएंगे। इनको पता है उनके ऊपर सेना गोली नहीं चलाएगी, इसलिए पत्थरबाजी हो रही है। अब जब मैं ये बात कहता हूं फिर लोगों को प्रॉब्लम है कि तुम कह रहे हो निहत्ते। अरे भाई, अगर आप पत्थर को निहत्ता मानते हैं तो आप मेरे सामने खड़े हो जाइए, मैं पत्थर लेके आपके सर पर मारता हूं, और अगर आप बच गए जिंदा तो आप बोल दीजिएगा कि भाई मेजर तो निहत्ता था। जब दूसरे की फौज के ऊपर पत्थर पड़े तब ठीक है, अपने ऊपर पत्थर पड़े तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है। इनके ऊपर तो पत्थर छोड़ दीजिए, इनको ट्विटर पे कुछ बोल दिया तो इनको ऐसा लगता है कि साहब पूरा वो विक्की विश्वकर्मा था सीआरपीएफ का जवान, आपने वीडियो देखा होगा, वो पैदल चल रहा है और पीछे से लोग उसको मार रहे हैं। उस जवान की मैं कह रहा हूं जो उसकी मैच्योरिटी थी, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। वो उसके हाथ में हथियार था, वो चाहता 3-4 को गिरा देता वहां पर, उसने नहीं करा। लेकिन मैं कह रहा हूं ये चीज होती क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो रोकने वाला कौन है कि सेना की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार का इतना प्रेशर रहता है कि सेना को करने नहीं दिया जाता? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को बोल देना चाहिए सेना को कि पत्थर को आप एक हथियार माने। आप देखिए किसी को करते हैं ना, 3,000 से ज्यादा जब बुरहान वानी की डेथ हुई थी उसके बाद पथराव में 3,500 सीआरपीएफ वाले अस्पताल में थे विद वेरी सीरियस इंजरीज और माइल्ड इंजरीज और सीरियस इंजरीज, ये सच है, जब बुरहान वानी का केस हुआ था। पर 3,000 सीआरपीएफ वाले किसी गिनती में नहीं आते। जो इंडियन आर्मी के जवान जो शहीद हो जाते हैं, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। औकात किसकी है? एक आदमी की, जिसको लितुल गोगोई ने अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा दिया। तो साहब लितुल गोगोई के ऊपर इंक्वायरी चल गई कि मेजर गोगोई ने एक आदमी को अपनी गाड़ी के ऊपर, जब उस आदमी को चोट नहीं लगी कुछ भी, उसको बांधा था सिर्फ, हाँ उसको बांधा था और लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ रास्ता था ही नहीं उस वक्त। लितुल गोगोई क्या कर लेता उस वक्त? ही वाज सराउंडेड बाय 1000 स्टोन पर, भाई 1000 स्टोन पेल्टर्स आपके इर्द गिर्द हैं, अब क्या कर लेंगे? आपको हुक्म दिया कि आपको बचा के लाना, उसको जो उस वक्त समझ में आया। देखिए बाद में ना कहना बड़ा आसान है कि गोगोई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, वो कहने को आसान होता है ना बाद में। अरे उस समय वहां पे आईटीबीपी के जवान फंसे थे, वहां पे जेएनके पुलिस के जवान फंसे थे, वहां पे इलेक्शन कमीशन के लोग फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए गया था ये लितुल गोगोई, वो उनकी जान बचाने के लिए गया था, उनको एक एक बंदे को बचाकर लाया। इसलिए आर्मी ने उसको कमेंडेशन कार्ड दिया, आर्मी चीफ का कमेंडेशन कार्ड उसको मिला, क्योंकि उसने अच्छा काम करा। पर ह्यूमन राइट्स वाले कभी वो बात नहीं करेंगे कि इसने अच्छा काम करा, एक आदमी को जीप के ऊपर बैठा दिया तो सबकी दिल आजारी हो गई, सबका दिल टूट गया सब, कि लितुल गोगोई ने तो गलत काम कर दिया। 3,500 सीआरपीएफ वालों को चोट, कोई घर नहीं गया उनके पूछने के लिए, कोई घर नहीं गया उनके पूछने के लिए। और ये फौजी का खून पानी है इस देश में, है ना, ये फौजी का खून पानी है यहाँ पे, ये यही सच्चाई है। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ट्वीट करते हैं, जो सोशल मीडिया में एक पार्टी प्रेम और देश प्रेम को एक ही तराजू में तोल रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि कई बार डिबेट में आपके सामने भी ऐसे नेता लोग आते हैं जो देश एक पार्टी प्रेम या पार्टी नफरत या देश प्रेम, और पार्टी नफरत को भी देश नफरत में ही बदल देते। देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि एक दिन ना कांग्रेस रहेगी ना बीजेपी रहेगी, लेकिन भारत उस दिन फिर भी रहेगा। तो हमारी लॉयल्टी किसकी तरफ होनी चाहिए क्लियर हो जाना चाहिए, हमें हमारी वफादारी किसकी तरफ होनी चाहिए। भारत माँ आज से 1,00,000 साल के बाद भी ऐसी रहेगी भारत माँ। मेजर, आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है पाकिस्तान में, यूके में, काफी जगह, क्या है माजरा? नहीं, माजरा कुछ नहीं है। मैंने टीवी के डिबेट में एक बार मैंने इनको बोल दिया कि बलोच के मैं टच में हूं, तो इन लोगों को लगता है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे मेजर गौरव आर्या ने टेररिज्म का वो टेररिज्म फैलाया है, उन्होंने टेररिस्ट एक्ट करी है। इनका इनको भी पता है कि किसी ने कुछ नहीं करा, ये पाकिस्तानियों को बस ये दबाव डाल के वॉइस साइलेंस करना चाहते हैं। इनको बड़ी दिक्कत है क्योंकि इस तरीके से शायद टीवी पे इनको किसी ने रगड़ा नहीं, ट्विटर पे किसी ने नहीं रगड़ा, सोशल मीडिया खासतौर से, टीवी से इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से प्रॉब्लम है। मेरे फोन हैक करने की कोशिश VOIP से, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, VOIP नंबर से रात को 2 या 3 बजे कई सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं, धमकी वाले कॉल्स आते हैं, मेरे पुतले जलाए गए, पुतले हैंग करे गए पाकिस्तान में, आपको पता नहीं होगा 21 जगह मेरे पुतले हैंग करे गए, और मुझे डेथ की थ्रेड्स भी आई कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारा गला काट देंगे, सब कहते रहते हैं। और मैंने उनको बोल दिया, यार देखो सुनो, जो जान से मारता है ना वो ट्विटर पे नहीं होता, ट्विटर पे बोलने वाले कभी जान से नहीं मारते, तो तुम ट्वीट ही करते रहोगे बस, जैसे तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी ट्वीट करती है ना कि हम इंडिया को सबक सिखाएंगे और फिर वहां पे गायब हो जाते हैं, तो ये पाकिस्तान का किरदार है, उनका उनका कैरेक्टर यही है। तो मैं इन सबसे घबराता नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसा कर दें, परेशान कर दें। अभी न्यूयॉर्क में फाइल करने की बात कर रहे हैं रिपोर्ट मेरे खिलाफ, तो मैं अमेरिका ना जा पाऊं, मैं लंदन ना जा पाऊं, मैं इधर ना जा पाऊं कहीं पे,
हर जगह से प्रेशर बनाने की कोशिश क्यों, ये चुप हो जाए। कैसा लगता है जब इस तरीके के आपके खिलाफ साजिश आप देखते हैं, FIR हो रही है, और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर, जाहिर सी बात है इसमें कोई असर तो पड़ेगा नहीं, लेकिन कैसा लगता है इन चीजों को देखकर? एक फौजी, आप जब देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, एक फौजी है बॉर्डर पे लड़ रहा है और एक फौजी है सबके सामने सोशल मीडिया में लड़ रहा है, टीवी शोज में लड़ रहा है, सबको चुप करा रहा है, कैसा लगता है कि इस तरीके के प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ ये कर रहे हैं? कोई आते कभी कोई पीछे से नेता कि गौरव आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या आप देश के लिए बिल्कुल एक लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद अकेली लड़ाई आवाज? मेरे साथ है मेरे दोस्त जो हम लोग साथ मिलकर लड़ते हैं, लड़ाई अकेली नहीं है, मेरे साथ हैं कुछ लोग और हम लोग लड़ते हैं। एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है तृप्ता जी, एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, और वो पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर करते हैं भारत के बारे में। वी वांट अ स्ट्रांग इंडिया, अ नॉन अपोलोजेटिक इंडिया, ठीक है? पहली चीज, हम एक शक्तिशाली भारत चाहते हैं एज सिटीजन्स। हमारी कोई ऐसी औकात नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम कोई मंत्री नहीं है, पर एक आम नागरिक के तौर पर हम चाहते हैं बहुत शक्तिशाली भारत। और हम हर समय एक ही चीज जो रामायण वाली बात है वो कहते हैं कि भाई बहन होए न प्रीत, राइट? देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। ये बार बार मैं हर जगह जाता हूं कि लोगों के दिमाग में भाई बहन होए न प्रीत घुस जाए यहां पे माथे में। दिस इज व्हाट आई वांट। कैसा लगता है? ठीक लगता है, उनकी मर्जी है, उनको जो करना है FIR करें, उनको जो करना है करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम नहीं रुकेगा, ये जिस दिन रुकेगा, जिस दिन पाकिस्तान रुक गया उस दिन, जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ, हम ट्विटर पे क्यों करते हैं ये? लोग कहते हैं ना साहब आप फौज छोड़ के आप मीडिया पे, फौज छोड़ के मैंने आपको पहले बता दिया 17 साल का गैप था और मैं तो गलती से अर्नब ने बोल दिया कि आ जाओ, तब मैं आ गया। और मतलब एज अ जॉब मीडिया मैंने 15th of March 2017 को ज्वाइन करा। मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है, देखिए मेरा लिमिटेड पॉइंट है, देखिए ये हम लोग जो बात करते हैं ना, जो मैंने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करी या मैंने नॉन कॉन्टैक्ट नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की बात करी, ये क्या है? ये चाइना क्या कर रहा है? चाइना ग्लोबल टाइम्स का आपने नाम सुना है, चाइना का मेन अखबार है जो माउथपीस है कम्युनिस्ट पार्टी का, उससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। पाकिस्तानी क्या करते हैं? फेक ट्विटर अकाउंट्स पे फैलाते हैं, फेक ट्विटर अकाउंट्स पे फेक वीडियोस हमारे बारे में, झूठी बात, ये खबर झूठ, हमारे कि हमारे लोगों का, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का मोरल मनोबल कम, हमारी फोर्सेस का मनोबल कम हो। मेजर एक अहम सवाल मैं आपसे पूछने चाहता हूं, सब लोगों के जहन में भी आता है कि मेजर गौरव आर्य ने आर्मी छोड़ी क्यों? हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा कि आप जब यहाँ पर डिबेट में इतने एग्रेसिव हो जाते हैं तो वो एग्रेसिवनेस आपकी जो है वो बॉर्डर में दिखनी चाहिए थी, आप बहुत कुछ कर सकते थे। लोगों के सवाल नहीं, बिल्कुल लोगों का सवाल बिल्कुल जायज है, जब आप पब्लिक आई में रहते हैं तो ऐसे सवाल होते हैं और आपको जवाब भी देना चाहिए ऐसे सवालों का, राइट? ये एग्रेशन जब हम फौज में थे तो बॉर्डर पे भी दिखा, ये हर जगह दिखा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक जगह है शिपकिला, राइट? शिपकिला की हाइट है तकरीबन 14,000 फुट की, और फिर लुकमा 1 लुकमा 2 हमारी कंपनी की पोस्ट थी, ये लाहौल स्पीति में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ हम लोग, पर हिमाचल में पड़ता है, मैं वहां पे पोस्टेड था। तो ये मैंने पेट्रियट में भी कवर करा है, मेरी जो टीवी सीरीज थी पेट्रियट, वहां पे भी मेरी यूनिट में कवर करा है। तो वहां से एक्चुअली पहाड़ से गिरा नीचे, करीब 300-400 फुट में नीचे गिरा पहाड़ से, तो वो थोड़ी सी मतलब ऐसा वर्टिकल नहीं था पर वो ऐसे था, तो मैं ऐसे करके नीचे गिरा और मैं लेज में अटक गया, एक पत्थर पर अटक गया के। अच्छा, अगर वहां से गिरता तो नीचे एक नदी थी जिसको वो लोग कहते हैं, तिब्बती में कहते हैं लांगशन खबाब नदी को कहते हैं, हम लोग उसको सतलज नदी बोलते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में जो हिंदी में सतलज बोलते हैं जिसको, वो लांगशन खबाब है एक्चुअली ओरिजिनल। तो वहां से नीचे 2-3 हजार का ड्रॉप था, वो मैं बच गया गलती से, या भगवान का शुक्र है, गलती से क्यों, भगवान का शुक्र है मैं बच गया वहां पे। तो अब मुझे वो खींच के लाए मेरी यूनिट के बंदे, तो फिर मुझे लंग्स में प्रॉब्लम हुई। ये प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी थी, ये प्रॉब्लम कैसी थी कि मतलब जब बिल्कुल समर्स होते थे हमारे बाद में, और जब गर्मी होती थी, सनशाइन होती थी, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम होती थी, और विंटर्स में आई वुड बी एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल, और डॉक्टर्स ने मुझे बोला ये चलेगी, अभी ये मतलब क्योर कर रहे हैं पर चलेगी। फिर मैं एक बार हॉज का एक कोर्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का कोर्स, मैं वहां पे कोर्स करने गया। जब हम लोग ऊपर गए वहां पे, वो गुजरहट बाबा ऋषि वाला एक ऊपर वाला एरिया है बहुत, वहां पे गए, वहां पे फिर मैं कलेप्स हुआ। फिर मुझे 92 बेस हॉस्पिटल है श्रीनगर, जो श्रीनगर का बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, आर्मी का ही है, बदामी बाग कैंट के अंदर है, मैं वहां पे गया, वहां पे भर्ती हुआ। तो मेरे साथ एक बड़ी अजीब सी चीज हो गई कि जब समर्स में जब गर्मी होती थी ना, आई वुड बी एब्सोल्युटली फाइन, और विंटर्स में
92 बेस हॉस्पिटल, और मुझे लगता है 92 बेस हॉस्पिटल वाले भी परेशान हो गए, फिर आ गया यहां पे। तो कुछ समय के बाद मैंने डिसाइड करा कि आई शुड लीव द आर्मी, बिकॉज इट वॉज आई वॉज हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और ये आर्मी छोड़ने के बाद मुझे दिल्ली में भी प्रॉब्लम हुई करीब 8-10 साल विंटर्स में, एक्सट्रीम मतलब कि यू नो ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट। तो हम लोग आर्मी में कहते हैं शेप वन, शेप वन मतलब परफेक्ट शेप। तो गर्मियों में शेप वन कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट क्लास। बीपीटी होती है हमारी, पिट्ठू पहन के भागते हैं, बीपीटी भाग रहे हैं, बीपीटी भाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी ड्यूटी चल रही है। नवंबर दिसंबर के महीने में मेजर गौरवहरी अस्पताल वापस, ऐसे सांस नहीं आ रही। तो ये सब चीजें हो गई। फिर मैंने स्वेच्छा से अपने मन से, आर्मी ने नहीं बोला कि आप छोड़ के चले जाओ, मैंने स्वेच्छा से, मैंने बोला यार जब सांस ही नहीं आ रही तो फिर क्या, यू हैव बिकम अ लायबिलिटी टुमारो, अगर आपकी यूनिट ऑपरेशंस में जाएगी यू विल बिकम अ लायबिलिटी ऑन योर यूनिट। और मेरी इतनी तगड़ी पलटा ना, नोबडी वांट्स टू बिकम अ लायबिलिटी। तो ये सब चीजें हुई हैं। देन आई लेफ्ट द आर्मी, फिर मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या, क्योंकि आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, मुझे मेरा तो सिर्फ ग्रेजुएट था मैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे पहले सिक्योरिटी का जॉब पकड़ा, फिर मैंने एडमिन का जॉब पकड़ा, फिर मैं प्रोजेक्ट्स में गया धीरे धीरे। अच्छा, लिखने का शौक था तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत छुटपुट लिखता रहता था मैं। एक दिन फिर वो जुलाई 2016 में वो बुरहान वाला केस हो गया, तब मैं मीडिया में आ गया। मेरा मीडिया से कोई लेना देना नहीं, मैंने तो 2016 जुलाई के पहले टीवी का स्टूडियो नहीं देखा था कि कैसे लगता है बाहर से। आई नेवर न्यू व्हाट अ टीवी स्टूडियो लुक लाइक। तो काफी लोग जो ये बोलते हैं ना कि साहब ये जो है ये स्टूडियो में बैठने के लिए इसने छोड़ा, तो 1999 में कौन से टीवी स्टूडियो थे, दूरदर्शन था और आई थिंक एक आध कोई और होगा। 99 में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो बादी में आए इतने सारे लोग, कुछ ही थे एक दो जी। सर अभी आपका एक पोस्ट भी देखा था मैंने, एक वीडियो भी देखा था, आप छत्तीसगढ़ गए थे, छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट लाइट एरिया थे वहां गए, क्या कहेंगे वहां के बारे में? क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, जैसे गारे पालमा है, गांव है वहां पे काफी सारे, अंदर अंदर की तरफ आप जाते तो वहां पे नक्सलाइट की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, हालांकि हमारी फौज वहां पर 24 घंटे तैयार रहती है, क्या कहेंगे? क्योंकि अंदर की जंग है जी, वहां पे इंडियन आर्मी नहीं है, वहां पे सीआरपीएफ है ज्यादा, वहां पे कुछ बटालियंस बीएसएफ की हैं, आईटीबीपी का मुझे पता नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस भी है वहां पे। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, ये नक्सल प्रॉब्लम आपके उधर भी है तेलंगाना साइड में और आंध्र प्रदेश साइड में, लेकिन मैं बात सिर्फ आपने छत्तीसगढ़ का पूछा, मैं वहीं पे गया हूँ। तो वहां पे बता रहा हूँ, वहां पे सीआरपीएफ तो कमाल का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस कमाल का काम कर रही है, और बाकी ये वहां पे बीएसएफ वगैरह, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, नंबर वन। नंबर टू, ये नक्सली चाहते हैं, और ये बहुत वेल सपोर्टेड हैं, वेल फाइनेंस्ड हैं ये लोग नक्सली। तो ये जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स भी थे जो उनकी हेल्प करने के लिए गए थे, बीच में केस भी उनके आए थे, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो ये लोग गए थे उनकी हेल्प करने के लिए, तो उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी है। करीब 400 करोड़ सिर्फ छत्तीसगढ़ से ये तेंदुपत्ते की स्मगलिंग से कमाते हैं हर साल, 400 करोड़ रुपए, जिसमें मैं टिम्बर की बात नहीं कर रहा, लकड़ी के माफिया की बात नहीं कर रहा, जो हफ्ता वसूली करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो टैक्स लेते हैं गाड़ियों से मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तेंदुपत्ते की स्मगलिंग की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, एक और चीज है कि एक सीआरपीएफ के अफसर ने, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहूंगा, सीआरपीएफ के अफसर ने बोला कि सर मैं, मुझे बोला उन्होंने ऑफ कैमरा कि सर मैं नक्सलियों से लड़ लूंगा, मुझे उसमें ना डर है ना खौफ है, और ये मेरा फर्ज है, और मेरी जान चली जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे जवान भी ऐसे ही मेरे जैसे, लेकिन सर मैं इनसे लड़ूं कि जो दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ केसेज हैं और मुख्तलिफ हाईकोर्ट्स में या अगर अलग अलग जगह हमारे खिलाफ केसेज हैं मैं वो लड़ूंगा, मुझे तो केसेस से डर लगता है, मुझे नक्सलियों से डर ही नहीं लगता। तो एक इकोसिस्टम बनाया वहां पे, जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, टीवी पर भी आते हैं वो लोग, ये नक्सलाइट्स को डिफेंड करेंगे। ये हम लोग फौज में इसको कवर फायर बोलते हैं, अगर आप जाएंगे तो आपको कवर फायर दिया जाता है कि आप सुरक्षित एक स्थान से दूसरी जगह पहुंच जाएं या अपना काम कर लें, तो कवर फायर दिया जाता है कि आपका जो साथी है वो दुश्मन के ऊपर फायर करेगा तो दुश्मन बिजी रहेगा उसके साथ डील करने में, तो आपको नहीं मार पाएगा, तो आपको कवर फायर मिल गया एक किस्म से। तो इन लोगों ने क्या करा कि साहब ये कवर फायर के लिए गए और इन्होंने कवर फायर दे दिया, जो इंटेलेक्चुअल्स थे दे हैव गिवन कवर फायर टू द नक्सलाइट्स। तो नक्सलाइट्स की फंडिंग भी हो रही है, इनको लीगल कवर भी मिल रहा है, इनको एक इंटेलेक्चुअल कवरिंग फायर भी मिल रही है, इसीलिए ये लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि इनके वकील हैं दिल्ली में, फोन करते हैं वहां से फट से यहां से केस हो जाता है। सीआरपीएफ वाले लीगल केसेस के साथ भी जो डील कर रहे हैं। सर आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं जी, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं लेकिन काम करते हैं चाइना और पाकिस्तान के लिए,
उनकी जुबान इस तरीके से लगता है कि वो एजेंट बैठे हुए हैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्या कहेंगे और कुछ लोगों के लिए एक मैसेज? नहीं, जो लोग जो हमारे जयचंद हैं और मीर जाफर हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी आप किसी को सपोर्ट करें, आप कांग्रेस को करें, बीजेपी को करें, ममता दीदी की पार्टी है, बहन मायावती की पार्टी है, साउथ की पार्टीज हैं आपकी, जेडीयू है, कोई भी पार्टी है, वो आप सपोर्ट करें। लेकिन देखिए, देश ये कोई एक खास पार्टी का नहीं है, देश तो सभी का है, देश आपका भी है। और जब भी आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे आपकी देश की फौज कमजोर होती है, देश कमजोर होता है, फिर मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो देश का नहीं हुआ, अगर आप देश के सगे नहीं हुए तो अपने परिवार के, अपने माँ बाप के, बीवी बच्चों के, उनके क्या सगे होंगे जब आप देश के सगे नहीं हुए। और बाकी जो भारतवासी जो देख रहे हैं, जय हिंद, नमस्कार। बस यही आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त निकालिए और संभाल के रखिए अपने आप को। कोरोना का टाइम चल रहा है, लेकिन देश के लिए समय निकालिए, क्योंकि ये देश सिर्फ जो देश की दिफा है, जिसको डिफेंस कहते हैं देश का, ये प्रोटेक्शन इस कंट्री का, ये सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का या सीआरपीएफ, बीएसएफ का ये जिम्मा नहीं है, ये जिम्मा आपका और मेरा भी है। आप कैसे लड़ सकते हैं सोचिए। आप सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, चाइना का प्रोपेगेंडा, उसको काट सकते हैं, और एक प्रोपेगेंडा आप कैसे काटेंगे? पढ़ाई करके, नॉलेज गेन करके। इट शुड बी फैक्ट एंड नॉलेज बेस्ड। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों। सर, इंडियाज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ बड़े अहम मुद्दों पर बात की मेजर गौरव आर्या ने, जिन्होंने हमें गलवान घाटी के बारे में बताने की कोशिश करी और पूरा समझाया भी कि चाइना और गलवान घाटी का क्या आपस में रिश्ता है। पाकिस्तान के बारे में बात की, हालांकि ये इंटरव्यू बंद करने का मन नहीं करा, लेकिन समय की कुछ सीमा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज 18 के साथ। नमस्कार।